इफ़ यू लव स्टॉक ओएस तो आपको ये रोम है जो पसंद आने वाला है, जो कि हमारे रेडमी के नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स डिवाइस के लिए अवेलेबल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसे फुल्ली स्टॉक जैसा ही रखा गया है। क्योंकि जो आपको स्टॉक के अंदर बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और वो क्या क्या बेनिफिट्स, आप सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्या है स्टॉक के अंदर जो कि हम इसके लिए एक्साइटेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दूंगा ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि इसे अपने रेडमी के नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर डालना है या नहीं। और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करके ही जाना। मैं डिफरेंट आइकन पैक यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी पुराना थीम था मेरे पास पड़ा हुआ, उसका आइकन मैंने अप्लाई किया है और ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। अगर हम इसके बात करें रोम की, तो यहाँ पे आप देखो अबाउट में देखने को मिलता है 1.0.14 आईडी, यानी इंडोनेशियन बेस है, तो यहाँ पे आपको इंडोनेशिया का जो स्मूथनेस वगैरह मिलती है वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ ये एंड्रॉइड 14 के ऊपर रन कर रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और यहाँ पे 5 मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया गया है जो कि अच्छी बात है। अनदर यहाँ पे बैकग्राउंड आते हैं तो जो चाइना वाला स्प्रिंगी एनिमेशन है वो नहीं मिलता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही है, बाकी ग्लोबल में उसे चांस से मार दिया जाता है। बाकी यहाँ पे जैसा कि ग्लोबल के अंदर आपको सिस्टम ऐप अपडेट मिलते हैं ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे सिस्टम ऐप अपडेट मिलते हैं, वो भी बहुत सारे मुझे मिले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ नेट कनेक्ट करके। आप देखो कि यहाँ पे आपको करीब 12 से भी ऊपर के सिस्टम ऐप अपडेट देखने को मिले हैं, तो ये एडवांटेज मिलता है जो कि हमें स्टॉक वॉइस में मिलता है, और वो चीज़ यहाँ पे भी है और ये प्रॉपर काम भी करती है। मैंने अभी जस्ट सिक्योरिटी ऐप को अपडेट किया था, ये जस्ट मैंने रोक रखा है ताकि आपको दिखा सकूं, तो यहाँ से आप सिस्टम ऐप अपडेट भी करोगे और जो भी अपडेट आते रहेंगे आपको मिलते रहेंगे, है ना, अच्छी बात। इस डिवाइस के लिए ऑफिशियली कब का खत्म हो चुका है, बट इस वॉइस को डालने के बाद ऑफिशियल टाइप के आपको सिस्टम ऐप अपडेट मिलेंगे और फुल रोम का अपडेट आएगा तो वो तो आप इंस्टॉल कर ही पाओगे। साथ साथ यहाँ का भी अपडेट हमें देखने को मिला है, बस मुझे रीस्टार्ट करने की देरी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वही सारे स्टॉक वाली चीज़ें देखने को मिलती है, चाहे वो आपका लॉक स्क्रीन हो, नोटिफिकेशन एरिया हो, ये सब कुछ है जो सिमिलर आपको देखने को मिलता है। बाकी होम लॉन्चर की बात करें तो इसके अंदर भी कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया ताकि आपका स्मूथनेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। बाकी वॉलपेपर के अंदर वही जो हमारा वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन वाला लुक है ना, वो आपको देखने को मिलेगा जो कि सही है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर काम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बैटरी के अंदर जो स्क्रीन ऑन टाइमिंग ऑफिशियली ऐड नहीं हुआ था वो चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है, यानी ऐड नहीं किया गया है। बाकी अगर लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो इंडोनेशिया बेस है, तो भाई आपको यहाँ पे सारे लैंग्वेज मिल जाते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आती, सो टेंशन नॉट। बाकी फ्लोटिंग विंडो वगैरह ये सारी चीज़ आपके प्रॉपर काम करता है। यहाँ पे रही बात कैमरा, तो आपको डिफॉल्ट कैमरा ही मिलता है जो कि प्रॉपर वर्किंग है। डायलर भी आपको यहाँ पे डिफॉल्ट मिलता है, बट यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया कि जैसे मैंने कैमरे को ऑन किया उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस ऑटो हमारा यहाँ पे डाउन हो गया है, तो यहाँ पे जो ऑटो ब्राइटनेस का जो लफड़ा है ना वो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि ये चीज़ मुझे पहले भी नोटिस हुई है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप मैनुअल यूज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और डार्क मोड के अंदर यहाँ पे सारे एप्लीकेशन आपके काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और रिफ्रेश रेट का जो UI है ये भी पुराना वाला ही देखने को मिलता है, क्योंकि एक टाइम पहले ऐसा ही हमें दिखाई देता था। तो फुल्ली यहाँ पे स्टॉक UI रखा गया है। वहीं पे हम बात करें किसी भी फोटो वीडियो को अगर हम एडिट करने आते हैं, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे गैलरी के अंदर जो नॉर्मली फीचर्स मिलते हैं वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन रही बात यहाँ पे कि अगर हम इसे डालते हैं तो परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है इस रोम का, तो उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। और बाकी यहाँ पे स्मूथनेस ओवरऑल में कहूँगा कि काफ़ी सही है, जैसा कि ऑफिशियली रोम पे हमें देखने को मिलता है काफ़ी हद तक वैसा ही है। तो आप जैसे इंस्टॉल करोगे सिस्टम डिफॉल्ट आपको इतने ही एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी सही है। बाकी चार्जिंग 18 मिनट में 25% गया है जो कि अच्छा है। एंटीट्यूड स्कोर फर्स्ट डे का सही है, लेकिन जब सेकेंड डे में इसे चेक करता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा है। वहीं पे हमारा जो इक्विपमेंट है फर्स्ट डे का जो कि नॉर्मल सा है, लेकिन सेकेंड डे यहाँ पे इंप्रूवमेंट नज़र आता है, क्योंकि जब भी आप कोई रोम डालो कम से कम 1 डे टू टाइम दो उसे सेटल होने के लिए, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। बाकी यहाँ पे देखो 1,83,000 मैक्स है और मिनिमम 1,53,000 है, जबकि सेकेंड डे जब मैं इसे चेक करता हूँ तो 1,96,000 मैक्स और 1,59,000 मिनिमम है जो कि अच्छा है। और यहाँ पे मैंने कोई भी टूल वगैरह का यूज नहीं किया है, गेम ड्राइवर वगैरह का यूज नहीं किया है परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए, ये सिस्टम डिफॉल्ट नॉर्मल वाला टेस्टिंग है जो कि काफ़ी सही है। वहीं पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे 87 के बाद मॉर्निंग में आता है 87, यानी फुल नाइट में 0% का ड्रेन है जो कि 10 hours 21 यानी 11 hours के अंदर है। और ये चीज़ भाई देख के जब भी देखते हो ना दिल खुश हो जाता है इस डिवाइस के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैटरी ड्रॉप मुझे नहीं देखने को मिलता काफ़ी हद तक, चाहे कैसा भी रोम क्यों ना डालूं, लेकिन आपको मे भी 2-3% तो दिख ही जाने वाला है, तो ज़्यादा खुश मत होना। क्योंकि जब से मैंने अपने फ़ोन का CPU रिवॉल्व करवाया था, कैमरा वगैरह डेड हुआ था, जब से बैटरी यार बहुत सही काम करता है मेरा,
उसके बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट की अगर हम बात करें गेमिंग वगैरह, तो यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा अनलॉक नहीं किया गया। जैसे कि मैंने कहा ना, पूरा का पूरा स्टॉक वाला फील रहता है, वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ये मोटिवेशन यहाँ पे नहीं है। ना ही फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिलता है और डिवाइस सर्टिफिकेशन आपका फेल रहता है, तो आपको मैनुअली पास करना पड़ेगा। रही बात कैसे पास करना है, तो यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगा और मैं ट्राई करूँगा कि आपको वीडियो दे दूँ ताकि आप उसे भी फॉलो कर पाओ, क्योंकि मैंने AOSP से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो दे दिया कि उसका कैसे फिक्स करना है। बाकी L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। HDR सपोर्ट वगैरह भी है और इतने सारे सिस्टम के ऐप अपडेट मुझे मिले थे स्टार्टिंग पे, जो कि मैंने आपको शो कर दिया है। तो टोटल यही सारी चीज़ें मिलती है। और रही बात डालना कैसे है, तो वही जस्ट रिकवरी में जाना है, जो कि ऑरेंज फॉक्स, रोम को फ्लैश करना है, फॉर्मेट एंड रिबूट कर देना है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, सम टाइम आपको दिक्कत आता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो वो आधे रास्ते में से ही गायब हो जाता है, आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं होता है। तो आपको ज़रूरत है कुछ कमांड यूज करने की, जो कि फास्टफूड मोड में डालने के बाद होगा, जैसे कि इरेज यूजर डेटा, इरेज मेटा डेटा, और चाहो तो इरेज FRP भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये एक छोटा सा अपडेट था इस रोम से रिलेटेड। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये रोम आपको कैसा लगा, आप इसे इंस्टॉल करना चाहोगे या नहीं, क्योंकि फुल्ली स्टॉक वाला फील आपको देने वाला है, कुछ भी एक्स्ट्रा मोटिवेशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। रोम फ्लैश करने के लिए पावर टर्न एंड वॉल्यूम आपको जो लॉन्ग प्रेस करेंगे फोन स्विच ऑफ करने के बाद, जिससे आपका फोन वाइब्रेट करेगा, लाइट अप होगा, तो हम पावर टर्न को लीव करेंगे, वॉल्यूम आपको होल्ड रखेंगे, आपके फोन का रिकवरी ओपन हो जाएगा। हमेशा या तो ऑरेंज फॉक्स या TDLR यूज करना, जो भी रिकमेंडेड किया गया है उसी का, कोई डिफरेंट रिकवरी मत यूज करना। जैसे रिकवरी ऑन होता है, आप ब्राउज करना, अपने रोम को सिलेक्ट करना और स्वाइप कर देना। स्टार्टिंग में वाई फॉर्मेट वगैरह मत करना, और मे बी जब भी आप रोम फ्लैश करो तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्लैशिंग के दौरान कि आपको रूट करना या नहीं, तो वैसे मैं वॉल्यूम अप डाउन या पावर बटन का यूज करते हुए कमांड को रन करते जाना अगर आता है तो, अदरवाइज नॉर्मल फ्लैश होने देना। अगर स्टार्टिंग में फ्लैशिंग में कोई भी एरर आता है तो आप एक बार सिंपल क्या कर लेना, रिबूट टू रिकवरी कर लेना, और उसके बाद रूम को दोबारा रीफ्लैश कर देना। सम टाइम रिबूट टू रिकवरी करते समय आपके फोन का रिकवरी है जो वो चेंज हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, तो जो भी नया रिकवरी शो होगा उसी की हेल्प से आप रोम को दोबारा रिफ्लैश करना, और रिफ्लैश जैसे ही कंप्लीट होता है आप रिबूट टू रिकवरी कर लेना अगेन, जैसा कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद सिंपल फॉर्मेट कर देना, यस टाइप करके और रिबूट कर देना। कुछ ही मिनट में आपका फोन है जो ऑन हो जाएगा, उसके बाद आप सेटअप करके यूज कर पाओगे। बिल्कुल ही सिंपल और ईजी तरीका है, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है।